कांग्रेस पर बरसे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। सीएम सैनी ने खोली कांग्रेस के खर्ची पर्ची गैंग की पोल। कांग्रेस ने हरियाणा में हमारे युवाओं के साथ किया घनघोर पाप। हुड्डा पिता पुत्र ने 10 साल के राज में सिर्फ खर्ची पर्ची वालों को दी नौकरी। कांग्रेस सत्ता में आई तो सरकारी नौकरियों में करेगी बंदरबांट। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और आप देख रही हैं प्यारा हिंदुस्तान। आपको बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अब पोस्ट करके हरियाणा कांग्रेस पर, हुड्डा सरकार पर जमकर निशाना साधा और उन्होंने खर्ची पर्ची गैंग की पोल खोल दी। इस दौरान उन्होंने कई नेताओं का भी जिक्र किया जिन नेताओं ने सार्वजनिक मंच से खर्ची पर्ची के जरिए नौकरी देने की बात कही थी, वोट के बदले नौकरी देने की बात कही थी। और नायब सिंह सैनी ने साफ स्पष्ट शब्दों में यह भी कहा कि हरियाणा का स्वाभिमानी युवा किसी भी तरीके से कांग्रेस के झांसे में नहीं आने वाला है और कांग्रेस को मुंह तोड़ जवाब देगा। तो हरियाणा में वोटिंग से ठीक पहले बयानबाजी का दौर तेज देखने के लिए मिल रहा है, सियासी पारा हाई है। और इसी बीच मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लगातार कई सारे, अगर आप कहेंगे पॉइंट के जरिए, सिलसिलेवार तरीके से जो है कांग्रेस पर निशाना साधा है। क्या लिखते हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी? उन्होंने लिखा है कि कांग्रेस ने हरियाणा में जो सबसे बड़ा पाप किया है वो हमारे युवाओं के साथ किया है, घनघोर पाप। उन्होंने लिखा कि हुड्डा पिता पुत्र जब 10 साल तक राज में थे तब उन्होंने ना तो नौकरी दी और दी तो सिर्फ खर्ची पर्ची वालों को दी। वो यही नहीं रुके, उन्होंने आगे लिखा कि साल 2014 में के बाद भारतीय जनता पार्टी ने जब मेरिट पर नौकरियां देनी शुरू की तो कांग्रेस के पेट में मरोड़ शुरू हो गया। उन्होंने आगे लिखा कि कांग्रेस ने अघोषित तौर पर पार्टी के अंदर एक भर्ती रोको प्रकोष्ठ बनाया जो आगे चलकर भर्ती रोको गैंग के तौर पर कुख्यात हुआ। इस भर्ती रोको गैंग ने कानूनी दाव पेच अपनाकर युवाओं की नौकरियों को अटकाने और भटकाने का काम किया। इस भर्ती रोको गैंग का सिर्फ एक ही लक्ष्य था कि कैसे भी किसी भी तरह हरियाणा में योग्यता के आधार पर भर्तियां ना हो पाए। इस गैंग के कारनामों की वजह से पता नहीं कितने युवाओं ने अपने जो है सपने जो है उनके धरे के धरे रह गए, सरकारी नौकरी करने की उनकी उम्र तक निकल गई। यहां पर आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लिखते हैं कि फिर भी कांग्रेस पार्टी ने एक कुंठित और पराजित राजनीतिक दल की तरह इन युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ किया है। आपको बता दें कि लगातार कांग्रेस के नेताओं द्वारा कई सारे बयान जो है दिए गए, जहां पर खर्ची पर्ची को लेकर कहा गया, वोट के बदले वोट की बात कही गई, उसका भी जिक्र उन्होंने अपने पोस्ट में किया। उन्होंने कहा कि इस भर्ती रोको गैंग से संघर्ष करके फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने 1,46,000 युवाओं को योग्यता पर नौकरी दी है। 25,000 नौकरियां बिल्कुल मिलने ही वाली थी कि ये कांग्रेस का नेता और राहुल गांधी का सलाहकार जयराम रमेश चुनाव आयोग चला गया और भर्तियां रुकवा दी। उन्होंने लिखा कि कांग्रेस का चाल, चरित्र और चेहरा तीनों साफ है। कांग्रेस साफ साफ कह रही है कि अगर गलती से भी सत्ता में आ गई तो सरकारी नौकरियों में बंदर बांट करेगी। सीएलयू गैंग के हिस्सेदार चाहे वो नीरज शर्मा हो या शमशेर गोगी हो या कुलदीप शर्मा हो या चाणक्य पंडित हो, कोई 50 वोट के बदले नौकरी बेच रहा है तो कोई खुला ऐलान कर रहा है कि पर्चे से नौकरी दूंगा, अपना घर भरूंगा। लेकिन हरियाणा का स्वाभिमानी युवा कांग्रेस के इस खतरनाक इरादे को कभी पूरा नहीं होने देगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। तो आप देखिए कि किस तरीके से
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सिलसिलेवार ट्वीट करके उन्होंने कांग्रेस के सीएलयू गैंग, कांग्रेस के खर्ची पर्ची गैंग की पोल खोल दी है। बता दें आपको कि हरियाणा में होने वाले वोटिंग से ठीक पहले जिस तरीके से नायब सिंह सैनी ने मोर्चा संभाल रखा है, ये कहना गलत नहीं होगा कि युवा अब पूरी तरीके से, हरियाणा के युवा कांग्रेस के राज में जिस तरीके की भर्तियों को लेकर अगर आप कहेंगे कि कारनामे किए गए, घोटाले किए गए, और सत्ता में आने पर किस तरीके से वो खर्ची पर्ची पर नौकरी देंगे, इस कंसेप्ट से पूरी तरीके से अवगत हो चुके हैं। हरियाणा का युवा जाग चुका है और हरियाणा का युवा कभी भी कांग्रेस को लाने की गलती नहीं करेगा। और ये साफ है कि जिस तरीके से वोटिंग से पहले हरियाणा कांग्रेस की पोल लगातार खुल रही है, ऐसे में हरियाणा चुनाव में कांग्रेस को भारी भरकम नुकसान झेलना पड़ेगा। युवाओं ने कांग्रेस को अब टाटा बाय बाय करने का मन बना लिया है और नायब सिंह सैनी भी ये भरोसा जता रहे हैं, ये विश्वास जता रहे हैं कि स्वाभिमानी युवा जो हरियाणा का है वो कांग्रेस को, अपनी कुरीतियों को, अपने मंशा को और ये जो खतरनाक तरीके से सरकार चलाने की बात करते हैं, इसे कभी पूरा नहीं होने देगा। हरियाणा चुनाव में सबसे ज्यादा अगर मुद्दा है तो वो है नौकरी का। आप देखिए, नौकरी के मुद्दे पर कांग्रेस ने जो अपने घोषणा पत्र में 2 लाख नौकरियां देने का वादा किया, हरियाणा के किसी भी युवा, किसी भी किसान को उस पर यकीन नहीं हुआ, क्योंकि जो हरियाणा के लोग हैं उन्होंने कार्यकाल हुड्डा का जब देखा है तो उसमें बिना खर्ची बिना पर्ची कोई भी सरकारी नौकरी लगती ही नहीं थी, ये सबने देखा। अब इसके बाद ये 2 लाख नौकरी की घोषणा कर दें, चाहे उसमें 10 लाख नौकरी की घोषणा कर दें, चाहे ये घोषणा पत्र पहला जारी करें फिर तीसरा जारी कर दें, बार बार घोषणा पत्र बदलना पड़ रहा है। इससे समझ में आ रहा है कि कांग्रेस के जो घोषणा पत्र की 7 गारंटियां थी उसको हरियाणा की जनता ने नकार दिया और इसके कारण इन्हें दूसरा घोषणा पत्र जारी करना पड़ा। इस पर हरियाणा में फिर से चर्चा शुरू हुई और आपको बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इसको लेकर कटाक्ष भी करा और उन्होंने खुलासा करते हुए कहा था कि देखिए, जब ये हुड्डा राज था, 10 साल ये पिता पुत्र जब राज में बैठे थे, ये खर्ची पर्ची वालों को ही नौकरियां दे रहे थे। और इन्होंने बताया कि कांग्रेस ने अघोषित तौर पर एक भर्ती रोको प्रकोष्ठ बनाया जिसके कारण से भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में नौकरियां जो दी जा रही थी, जिसकी संख्या आपको बता दूं 1,46,000 ये सरकारी नौकरियां दी गई, ये कांग्रेस ने ये सोचते हुए कि अगर बिना खर्ची बिना पर्ची 1,46,000 युवाओं को नौकरी दे दी गई है और वो भी मेरिट बेस पर, तो चुनाव में हम क्या मुंह दिखाएंगे। और इसके कारण जो नायब सिंह सैनी 25,000 और नौकरियां देने के प्रयास में लगे हुए थे उसको रोक लगा दिया गया। लेकिन जनता समझ गई, हरियाणा की जनता ने तय कर लिया है कि ये जो अब इनके विधायक बोलते घूम रहे हैं, आप देखिए कि जिस तरह से खुल करके इनके विधायक बोल रहे हैं कि साहब यहाँ तो जो है पहले अपना घर भरेंगे, फिर वो कहते हैं कि साहब एक जयराम रमेश के चुनाव में जो सलाहकार रहे हैं वो ये कहते हैं कि साहब हम जो है नीरज शर्मा, शमशेर गोगी, कुलदीप शर्मा, ये चाणक पंडित, ये ऐसे लोग हैं जो खुलेआम कह रहे हैं कि 50 वोट पर एक नौकरी हम देंगे। फिर कोई कह रहा है पहले अपना घर भी भरेंगे, कोई कह रहा है आप मुझे केवल पर्ची पे नाम लिख के दो, नौकरी पक्की। यानी कांग्रेस के नेता खुद अपनी पोल खोल रहे हैं। हरियाणा की जनता को पहले से ही आशंका थी, युवाओं को पहले से आशंका थी कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो जो मेरिट बेस पर आज ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमारी नौकरियां लग रही हैं। मेरिट बेस का मतलब आप समझते हैं, मेरिट बेस का मतलब है कि जो गरीब का बच्चा अपनी बुद्धिमत्ता से रिटन टेस्ट की तैयारी कर रहा है वो अपनी योग्यता के बल पर नौकरी पाएगा, ना कि रिश्वत के बल पर। इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी गरीब, मजदूर, दलित, ओबीसी, एसटी एससी कम्युनिटी का कोई भी बच्चा हो जिसके अंदर योग्यता है वो नौकरी को प्राप्त कर लेगा, लेकिन जिसके अंदर योग्यता नहीं है पर उसकी पहुंच नेताओं तक है, उसके हाथ में लाखों रुपया देने के लिए रिश्वत है, उसका भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई काम होने वाला नहीं है।
ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सिद्धू आया, इसी को हरियाणा की जनता में चर्चा है और वो ये कह रहे हैं कि देखिए युवाओं का खासतौर पर रुझान भारतीय जनता पार्टी को, इसीलिए आप देखिए चाहे नायब सैनि की रैलियां हो, चाहे अमित शाह जी की रैली हो, चाहे मोदी जी की रैली हो, इसीलिए उसमें युवाओं की भीड़ देखी जा रही है। और उसमें जब बात करते हैं तो वो कहते हैं देखिए हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए जो बिना रिश्वत नौकरी ही ना दे। तो वो घोषणा पत्र में कांग्रेस के कितनी भी नौकरियों की घोषणा कर दें उसका कोई असर होता नहीं दिखाई दे रहा है। और इसी तरह सीएलयू गैंग की चर्चा की, सीएलयू गैंग आपको पता ही है किस तरह से भूमि का हम कैटेगरी चेंज कर देंगे, उसके लिए आप हमें रिश्वत दीजिए, पैसा दो, कैटेगरी चेंज कराओ और उसके बाद आपकी जमीन को खरीद लेंगे। किसानों की जमीन कोड़ियों के दाम खरीदी गई और फिर उसको ऊंची दामों पर बिल्डरों को बेच दिया गया। आरोप तो यहां तक भी लगे कि राहुल गांधी के जीजाजी ने इस तरह से अरबों रुपए की जमीन किसानों की खरीदी। यानी कहीं ऐसे लोग जो किसानों से सस्ते दम पर उनकी जमीन ले रहे थे और उसको करोड़ों रुपए में बेचकर अपने आप करोड़पति बन रहे थे। तो एक बहुत बड़ा धोखा किसानों के साथ हुआ। ये मुद्दा हरियाणा में बढ़ चढ़ कर भारतीय जनता पार्टी उठा रही है और उसका असर दिखाई भी दे रहा है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। तो ऐसे में आपने खबर पूरी सुनी है और इस पर आपकी भी जरा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।